तो आज हम बात करेंगे, बात क्या करेंगे, आज हम समझेंगे कि एडवांस एक्सेल कि हमारे जो कोर्स है क्या, रियल में एडवांस एक्सेल है क्या, उसके बारे में जानो। राइट, सबसे पहले समझते हैं कि एडवांस एक्सेल आखिर है क्या, ठीक है, और फिर हम उसके बाद हम जो हमारे जो कोर्सेज है उन कोर्सेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि एडवांस एक्सेल है क्या। एडवांस एक्सेल कोई अलग सॉफ्टवेयर नहीं, एडवांस एक्सेल एक्सेल की कुछ फीचर को एडवांस एक्सेल नहीं कहा। एडवांस एक्सेल बेसिकली हमें उसको यूज करने का तरीका है, एक्सेल को यूज करने का तरीका। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया और इसी के बगल में 30 टाइप, अगर मैं इसको कॉपी करके इसके ऊपर जनरली कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूं तो 30-20 से रिप्लेस हो जाएगा। राइट, लेकिन इसी के ऊपर राइट क्लिक किया और पेस्ट स्पेशल इस्तेमाल, अब इस पेस्ट स्पेशल में मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है, ऐड। तो क्या हुआ कि 20 और 30 के बीच में अब एडिशन होंगे और रिजल्ट 50 यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। राइट, मतलब कि अब मैं कॉपी किया और जहां पे पेस्ट करना है उस पे अगर मैं नॉर्मल पेस्ट ना करके पेस्ट स्पेशल करूं और पेस्ट स्पेशल में मैं मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करूं या ऐड को सिलेक्ट करूं, सब्ट्रैक्ट सिलेक्ट करूं, डिवाइड सिलेक्ट करूं, तो उन दोनों के बीच में वही होगा और रिजल्ट पेस्ट होगा। तो इसको हम बेसिक एक्सेल कह सकते हैं। कोई पर्टिकुलर ट्रेनर या किसी ट्रेनिंग सेंटर का जो भी है वो आपको इसी तरीके से सिखाए, लेकिन अगर आप किसी वर्किंग प्रोफेशनल या मेरे साथ अगर आते हैं तो इसको हम अलग तरीके से समझाएं। सबसे पहले हम जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। तो एक्सेल में अगर मुझे परसेंट लिखना है 20% डिसेंबर, तो यहाँ पे 20%। अगर आपने 20 टाइप कर और इस 20 के ऊपर इस परसेंट सिंबल को क्लिक किया तो 2000%, क्योंकि एक्सेल में 1 इक्वल टू क्या होता है, 100%, 1 इक्वल टू 100%। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बाद में परसेंटेज लगानी है तो 0.20 टाइप करूंगा, देन क्लिक करके परसेंट लगाऊंगा कभी भी। यहां मैं समझाया कि एक्सेल में परसेंटेज कैसे वर्क करता है और कैसे टाइप करना, सिंबल के साथ टाइप कीजिए या फिर डेसिमल में डाल के फिर बाद में उसके ऊपर परसेंट का सिंबल अप्लाई। तो हमारे एक कलीग है, मुझे एक डेटा भेजते हैं। अभी यहां मैं एक सैंपल डेटा क्विकली क्रिएट कर रहा हूँ रैन बिटवीन फॉर्मूले की मदद से। अब मेरे जो कलीग है मुझे एक डेटा, अब उनके अकॉर्डिंग एक परसेंट का फॉर्मेट दे दिया और यहाँ पे परसेंट उन्होंने अप्लाई ये नंबर दे दिया, मतलब मुझे हिसाब से परसेंट में 37%, बट एक्सेल के हिसाब से क्या है, 37 नंबर। अब इसके ऊपर परसेंट अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी ना सर। मान लीजिए मुझे 500 का 37% कैलकुलेट कर, 37 अगर परसेंट फॉर्मेट के साथ हुआ तो बी जस्ट मल्टीप्लाई, लेकिन 37 अगर हुआ तो मल्टीप्लाई करने गड़बड़ आ जाएगी ना सर। अब यही तो प्रॉब्लम है, मुझे अपने फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला चेंज नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि तो मैं जहां इसको यूज करना चाहता हूँ ना वहां पर और भी बहुत सारे डेटा है और मोस्टली डेटा मेरा परसेंट में है, तो मुझे इस डेटा को कॉपी करके अपने जो डेटा शीट है, अपनी रिपोर्ट या डैशबोर्ड है वहां पे पेस्ट करने से पहले इसको परसेंट में यही पे कन्वर्ट करना। कैसे करें, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एक एक करके यहाँ पे मैन्युअली डबल क्लिक करें और परसेंट का सैंपल अप्लाई, डबल क्लिक करें परसेंट का सैंपल अप्लाई, डबल क्लिक करें परसेंट असेंबल अप्लाई। अब आप सोचेंगे कि सर
मेरे पास तो ऐसे लाखों का डेटा है, लाखों चोरी है, तो हजार ही है, फिर भी आपको करने में कम से कम नहीं भी तो 2-3 घंटा लग जाए क्या? तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, 0.37, 0.86। अब बोलेंगे सर ये भी तो ही बात है, नहीं ये कोई बात नहीं, हम डेसिमल को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हमने अभी जो C21 पे मेथड बताया उसी मेथड से हम क्या करेंगे, कहीं एक अलग कहीं भी 100 को टाइप कर, देन उस 100 को कॉपी करें, और कॉपी करके पूरे एरिया को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, और यहाँ माफ कीजिएगा, गलत हो गया, माफ कीजिए, किसी का क्वेश्चन दिमाग में याद आ गया और फॉर्मेट सेल हो गया, माफी चाहूंगा। पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे डिवाइड करके क्या होगा, इस 100 से हर एक नंबर डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे परसेंट का सिंबल आ, अब चीजें वही है जो C21 में समझाया, और चीज वही है जो कि हमने C2 में समझाया, दोनों एक ही है। अब इमेजिन कीजिए कि C2 आपको ज्यादा यूजफुल और समझ में आया, और या फिर आपका C21 आया। C21 जस्ट आपने समझा कि कैसे हम किसी की टेस्ट स्पेशल में ऑपरेशन को कैसे इस्तेमाल कर, और C2 में समझा कि हम ऑफिस में किसी प्रॉब्लम को उसे सॉल्व कर सकते। तो हमारी जो एडवांस एक्सेल की क्लासेस होगी प्रशांत जी, वो इसी इसी तरीके से, ठीक है, हर एक टॉपिक को इसी तरीके से समझाएंगे। अब क्या क्या पढ़ाएंगे इसके बारे में देख लेते हैं। हमने आपके सामने दो कोर्स इंट्रोड्यूस किए, एक कोर्स जो डेटा विजुलाइजेशन एंड डेटा विजुलाइजेशन विथ एडवांस एक्सेल है, डेटा विजुलाइजेशन डेटा एनालिसिस एंड विजुलाइजेशन विथ एडवांस एक्सेल, राइट। एक कोर्स नया है, ये जून में ही मैंने इसको डिजाइन किया है, और दूसरा है हमारा डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिसिस एंड डैशबोर्ड विथ एक्सेल एम आई एस के लिए यूज होता है, ठीक है, एडवांस एक्सेल एंड डेटा एनालिसिस एंड डैशबोर्ड फॉर एम आई एस के। तो एक कोर्स पुराना है, ये हमने 2020 के आसपास डिजाइन किया, ठीक है। अब देखिए जो कोर्स पहला वाला कोर्स है, ये कोर्स नए वाले कोर्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इस कोर्स का मोटिव क्या है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कंप्लीट एडवांस एक्सेल बेसिक टू एडवांस, एक्सेल के हर एक फीचर्स को डिटेल में बेसिक से एडवांस पढ़ाएं। उसके अलावा हम एडवांस पिवट टेबल और पिवट टेबल से बनने वाले 20 से ऊपर डैशबोर्ड बताएं। उसके बाद डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग हम बताएंगे कि कैसे डेटा, क्योंकि डेटा जब आएगा तो डैशबोर्ड या रिपोर्ट बनाने के लिए तैयार नहीं हो, कई बार तैयार होता है, कई बार रफ डेटा का, तो उसको कैसे तैयार, देन इस पे हम डिस्कस करेंगे आपके पास एनालिसिस टूल्स के, डेटा को रिपोर्ट बनाते समय डेटा एनालिसिस करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना हो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम बात करें डेटा विजुलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं डैशबोर्ड, इसके बारे में। अब डैशबोर्ड क्या होता है, हमने कई बार नाम लिया, चलिए एक दो डैशबोर्ड दिखाते हैं जो हम आपके साथ बात करें, ठीक है। तो कुछ दिन पहले हमने कुछ डैशबोर्ड पढ़ाया है, उसी पे हम ये देखिए डेटा आपको दिख रहा है। अभी इस डेटा को पहले हमने समराइज किया, ये समरी बनाया, अभी से कुछ समझ में ना आ रहा होगा, आफ्टर दैट हमने इस डेटा को यहाँ हमने इसको विजुलाइज किया, क्या किया, दैट इज द डैशबोर्ड, और भी है बहुत सारे। हाँ मैं आपको करवाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा और आपसे करवाऊंगा, ये सारी क्लास की फाइल है, नहीं देखा डे 23 में पढ़ाया था मैंने, ठीक है, इसे क्लास की फाइल है।
मैं बता रहा हूँ, तो ये तो दिख रहा है यहाँ तक वेट 23 डे में पहुंचेगा। एक सेकंड सर, कोई स्टूडेंट फोन कर रहा है मुझे, 1 मिनट प्लीज। 4 बार फोन कर चुका है। हेलो जी, जी हाँ, हमारी क्लासेज ऑनलाइन होती है जी, सुबह 5 से रात के 11 बजे। इस बीच का कोई 1 घंटे का मैच आप ले सकते हैं, लाइव वन टू वन क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे 1 घंटे। दो कोर्स हैं, एडवांस एक्सेल विथ डैशबोर्ड जो कि 2 महीने का है, इसकी फीस 10,000 पड़ेगी। एक हमारा डेटा एनालिसिस एंड डैशबोर्ड है विथ एडवांस एक्सेल, इसकी ड्यूरेशन 4 महीने की, इसकी फीस 20,000 पड़ेगी। आपका नंबर व्हाट्सएप पे है, मैं आपको सिलेबस भेज देता हूँ, चेक करेंगे फिर डिस्कस करेंगे इसके बाद। सॉरी मैं माफी चाहूंगा। ओके, तो इस तरह के डे 23 में आपको पढ़ा, समझे। अब इस तरह की डैशबोर्ड हम आपके साथ कराएं, तो अगर पहले कोर्स लेते हैं तो पहले कोर्स में हम इस तरह के 20 डैशबोर्ड विथ पिवट टेबल एंड 20 डैशबोर्ड विथ, मतलब कि 30 से 40 डैशबोर्ड कवर करें। तो ये जो पहला जो पूरा का पूरा एडवांस एक्सेल जो है, सारे फीचर्स ये आपके पहले वाले कोर्स में है। उसके अलावा हम AI के बारे में डिस्कस करेंगे, हम कोपायलट के बारे में डिस्कस करेंगे, हम पाइथन या एक्सेल, पाइथन की कुछ कोडिंग होती है उसको एक्सेल में कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट ऑटोमेशन के कुछ प्रोजेक्ट एंड कुछ डैशबोर्ड के प्रोजेक्ट कवर करेंगे, करीब 35 चार्ज इसके अंदर। इसका टोटल ड्यूरेशन अराउंड 4 महीने के आसपास लगेगा, आप देख सकते हैं 50 to 65 आवर्स मिनिमम आपको लगेगा। मंडे टू फ्राइडे 1 आवर की क्लासेस आप ले सकते हैं, क्लासेस लाइव होगी, 1 to 1। टाइमिंग कब से शुरू करना चाहेंगे उसी हिसाब से मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ। अब मैं अभी बता रहा हूँ आपको, अभी ये जो कोर्स लेटेस्ट एक्सेल का कोर्स है ये आप लेते हैं तो 4 4 मंथ का कोर्स है, फीस आपके सामने आप दिख रहा होगा 20,000 की फीस लगेगी। दूसरा कोर्स है जो है ये दूसरा कोर्स जिसमें एक्सेल के सारे फीचर्स हैं, डैशबोर्ड भी है, लेकिन इसमें डैशबोर्ड के कुछ एग्जाम्पल कम है, मतलब कि एक्सेल के सारे फीचर्स जो है वही होंगे जो इसमें होंगे। इसमें 2 3 चीजें नहीं है, पहले चीजें नहीं है कि इसमें जो AI का सिस्टम है, को पायलट है, पाइथन है, इसके अंदर अवेलेबल नहीं। दूसरा, इसमें हमने 35 से 40 डैशबोर्ड की बात की है, रिपोर्ट ऑटोमेशन की बात की है, इसमें वो एग्जाम्पल 2 4 नहीं होंगे, इसलिए इसका ड्यूरेशन 2 महीने का है, ठीक है। और इसकी फीस आपको 10,000 पर।